तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल PSEB अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे इससे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन जो सेंटअप एग्जाम में आने वाला है 30 तारीख को यानी कल के, तो उसका मैंने ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन दे दिया हो। अब बात करते हैं फिजिक्स का। दोस्तों जो फिजिक्स का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, इसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट सब्जेक्टिव को लेकर खोज रहे थे फिजिक्स का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आज भर आप लोग का टाइम है, इसको याद कर लीजिए और कल जाके लिख दीजिएगा। जो जो सब्जेक्टिव है यही सब आप लोग का एग्जाम में आया है सेंटअप का, यानी कि कल से आप लोग का सेंटअप एग्जाम शुरू है। तो आप लोग का फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को आया है, ठीक है। तो जो जो आया है देख सकते हैं, यही आप लोग का एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम। और जो जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है वो मैं आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और कल मतलब कि आज जो आप लोग को दे देता हूँ वैसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा और जाके एकदम एग्ज़ाम में लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को सब्जेक्टिव को डाउनलोड करने के लिए आना है सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र पे आइएगा तो आप लोग सर्च कर दीजिएगा यहाँ पे स्टडी सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे आप लोग का सब्जेक्टिव अभी अभी अपलोड किया गया है जो कि आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए नीचे ही आइएगा तब दिया गया है 12th फिजिक्स सेंटअप एग्जाम 2023 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, 100% ओरिजिनल दे रहा हूँ क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइएगा तो नीचे आप लोग देखिए 100% ओरिजिनल पेपर है आप लोग के लिए, ठीक है, सेंटअप एग्जाम को। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लीजिएगा, यहाँ जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिया गया है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। सब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए, पहला जो सब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा गया है, आप लोगों को 10 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन बनाना है, तो पहला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें, पहला सब्जेक्टिव आप लोग को पूछा गया है सेंटअप एग्जाम में इस बार का, ठीक है। उसके बाद आप लोग दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या, उसका आंसर देख सकते हैं आप लोग के सामने, आंसर भी है। फिर चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कि संट क्या है, ठीक है। संट का उपयोग लिखना है, दो उपयोग भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका चौथा दिया गया है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है, तो आप लोग का चौथा क्वेश्चन है। ऐसा ही करके बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड पूछा है, आवृत्ति मॉडल में पूछा है, ठीक है, इसको समझाना है आप लोग को। उसके बाद पाचन श्रेणी से आप क्या समझते हैं देख सकते हैं, यही आप लोग को पूछा है पाचन श्रेणी। उसके बाद आप लोग को जो पूछा है आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें, तो ये आप लोग को मतलब कि दो दो नंबर में पूछा गया है, तो आप लोग को यही सब लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग का है यहीं पे है। आप लोग यहाँ पे सिंपली आइएगा वेबसाइट पे, वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिएगा तो आप लोग यहाँ से सब्जेक्टिव का आंसर ले सकते हैं। तो यहीं पर आना है फिर, ठीक है दोस्तों, वेबसाइट पर आके सब्जेक्टिव ले सकते हैं जो जो पूछा गया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, ये सब जो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। तो कल जो एग्ज़ाम में सेंटअप एग्ज़ाम है कल, तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग का तैयारी हुआ कि नहीं, और सब्जेक्टिव का तैयारी यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो जो पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन, तो वीडियो को एक लोग लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।